अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम एक और पेपर सॉल्व करेंगे जो जूलॉजी के मतलब होगा, जो कि 2018 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था। चलिए दोस्तों, बगैर टाइम जाए कि इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा जैसे कि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच रहा है। तो एक जो सवाल है जो मुझे नहीं मिल रहा था, तो आप इसको देख लेना। जो अगला सवाल ये है कि डिस्क्राइब द लोकेशन फंक्शन ऑफ द हाइग्रो रिसेप्टर इन सेल। हम पहले भी इसको कर चुके हैं। तो जो हाइग्रो रिसेप्टर होते हैं, कहते हैं टेम्परेचर को सेंसर, एज ए टेम्परेचर करते हैं उसको सेंस करते हैं कि ये टेम्परेचर इंसेक्ट के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ठीक हो गया। तो अगला जो आपका सवाल ये है कि व्हाट इज मीन बाय द सोनार। सोनार क्या है? अब तक सोनार शॉर्ट फॉर साउंड नेविगेशन आर द रेंजिंग हेल्पफुल है एक्सप्लोरिंग एंड मैपिंग द ओशन बिकॉज साउंड वेव ट्रेवल फर्दर फर्दर टू द वेव देन टू रडार एंड लाइट वेव। ठीक हो गया। तो ये सोनार का तरीका है जिसमें करते हैं समंदर की गहराई को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसके जरिए करते हैं एक आवाज़ को भी जान सकते हैं कि कितनी दूर हमारे पास चीज़ दूर है। अगर समय कि डिस्क्राइब द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द एनिलिडा। अगर हम एनिलिडा का एंडोक्राइन सिस्टम देखें तो एनिलिडा द एंडोक्राइन सिस्टम द दिस फाइलम इज कंटेन ऑफ द एनिटो वार्म लीच एंड मेराइन फॉर मेडिकल लीच। दिस लीच वुड बी एबल टू स्विच टू द सेक्स ऑर्गन बिकॉज इट मे बी हर्माफ्रोडाइट। अगर सर यही कि कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइक्रोटिक्यूल माइक्रोफिलामेंट्स, तो आपने बता देना कि कहाँ कहाँ ये इसका क्या क्या काम होता है। इतना ही आसान है, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब देख लेना इसमें क्या क्या लिखा गया है। अगला सवाल आपका ये है कि फोर बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू द लंग्स वेंटिलेशन। तो आप देखें तो एक मतलब क्या होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन, दूसरा मतलब उसका डेड स्पेस वेंटिलेशन, और मतलब क्या होते हैं अनपरफ्यूज और हाइपर परफ्यूज डिस्ट्रीज। तीन तरह के हम बस क्या प्रिंसिपल है करते हैं, इसे बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल वेंटिलेशन के नाम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल ये डिफरेंस बिटवीन हेमोसाइनिन और हेमोथ्रेन। ठीक हो गया। अगर हम इसका फ़र्क देखें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अगर हम करते हैं हेमोसाइनिन देखें तो फिर फॉर बेटर इन क्लो इन कोल्ड इन्वायरमेंट विद द लो ऑक्सीजन प्रेशर प्रेफर्ड बेटर इन ऑक्सीजन इन विच रिच इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। तो बाकी इसके अंदर आप दिया गया देख रहे हैं फ्रीली फ्लोटिंग ब्लड होता है, ये कनेक्ट टू द रेड ब्लड सेल्स होता है। अगर सर ये गिव द कंपैरिजन ऑफ द कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस फूड ग्रुप, इसमें क्या आप देख रहे हैं ना जो कंटीन्यूअस फूड होते हैं करते ये लगातार अपने आप को खुराक फीड करते रहते वो खाते रहते हैं। जो डिसकंटीन्यूअस होते क्या करते हैं अपनी फीड को कुछ खा के स्टोर कर सकते हैं, उसको बाद में यूज कर सकते हैं, इसे हम कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस फूड कहते हैं। जो अगर आप लोगों का सवाल यह है कि डिस्क्राइब द डाइजेशन इन ओरल कैविटी ऑफ द मैमल। तो इन मैमल डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एब्सेंट इन द ऑकर इन द ह्यूमन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। द डाइजेशन सिस्टम इन माउथ कैविटी, इन माउथ कैविटी फूड चैम्बर इन ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल सलाइवा सेक्रेटेड फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड टू द प्रोसेस। तो ये था आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने 10 सवाल फोकसों की सॉल्व की हैं जूलॉजी के। तो इसके मतलब किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये सारी मेहनत मैं आवली में कर रहा हूँ कि जो लोग रेगुलर क्लासेज नहीं ले सकते तो इसको अगर वो पास पेपर को ही याद कर लें तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अलॉन्स।